उरी आतंकी हमले का भारत ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। भारत ने पाकिस्तान की सीमा में घुसकर आतंकियों को ढेर कर दिया। डीजीएमओ और विदेश मंत्रालय की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह खुलासा हुआ है कि भारतीय फौज ने बुधवार देर रात नियंत्रण रेखा को पार करते हुए पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक किया है। इस सर्जिकल स्ट्राइक में 4 आतंकी शिविरों को निशाना बनाया गया, जिसमें 35 से ज्यादा आतंकियों के मारे जाने की खबर है। डीजीएमओ ने बताया है कि भारतीय सेना को खबर मिली थी कि पाकिस्तान के जरिए आतंकवादी भारत में घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इससे पहले ही भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सरजमी पर धावा बोल दिया और रातों रात अपना मिशन पूरा कर सुरक्षित वापस लौट आए। डीजीएमओ ने बताया है कि इस साल पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ की 20 कोशिशें नाकाम की गई है। उरी और पुंछ में हुए आतंकी हमलों में पाकिस्तानी हाथ होने के सबूत हैं और यह भी घोषणा की गई है कि भारतीय सेना किसी भी हालात के लिए तैयार है। आपको बता दें कि कल से लगातार खबरें आ रही थी कि पाकिस्तानी सेना की ओर से सीज़फ़ायर का उल्लंघन किया जा रहा है, जिसके बाद ये आज खबर आना अपने आप में एक बड़ी बात है। वहीं पाक पीएम नवाज शरीफ ने भारत की ओर से की गई सर्जिकल स्ट्राइक की निंदा की है। नवाज शरीफ कह रहे हैं कि शांति की चाहत को कमजोरी ना समझे। वहीं दूसरी तरफ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले आज साउथ ब्लॉक में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक की गई, जिसमें पीएम मोदी ने नियंत्रण रेखा की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की है। तो इस वक्त की बड़ी खबर है कि उरी हमले का जवाब भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुस कर दिया है और मुंह तोड़ जवाब दिया है। Yesterday, that some terrorist teams had positioned themselves at launch pads along the line of control with an aim to carry out infiltration and terrorist strikes in Jammu and Kashmir and various other metros in our country. The Indian Army conducted surgical strikes last night at these launch pads. The operations were basically focused to ensure that these terrorists do not succeed in their design of infiltration. I have just spoken to the Pakistani Director General of Military Operations and explained our concerns and also shared with him the operations we had conducted last night. उरी हमले के बाद से ही भारत पर लगातार दबाव बन रहा था कि वह पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे। यहाँ केंद्र सरकार ने कूटनीतिक तरीके से तो पाकिस्तान को पटकनी दी ही है और अब सर्जिकल स्ट्राइक कर भारत ने दिखा दिया कि भारत को कमजोर समझने की गलती ना करे। देखते रहिए डीबी लाइव।